संदेश से कदम दाम चल एक दो एक हकी दाने हक हरे की नीचे नहीं करना बस एक पांव की बचा एक अपनी कहाँ है एक दो एक 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 दो संदेश से कदम दाम चल एक दो एक कंट्रोल नहीं था, अपने मर्जी से जाना, अपने मर्जी से आना, ड्यूटी अपने मर्जी से टाइम पे नहीं आते थे। अपने जो 8 बजे का ड्यूटी है तो क्या है, ये लोग आ जाते 9 बजे 10 बजे, अपने मर्जी का समय बना लेते थे। तो कोई कंट्रोल नहीं था, अपने मर्जी से क्या है, कहीं घूमने के लिए जाना अपने मर्जी से चलता रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन। आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। डिसिप्लिन में क्या मेंटेन हो गया, कैप बेल्ट, किसी का कैप नहीं लगाया होगा, किसी का बेल्ट नहीं लगाया होगा, किसी ने बिना शेविंग का किया होगा, बिना शेविंग का नहीं, इतना दाढ़ी निकल गया, मूछ निकल गया, ठीक है, कोई शेविंग नहीं, कोई हेयर कट नहीं, कोई शूज का पॉलिश नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है डिसिप्लिन में आता है, ये सब चीज़ जो है पहले नहीं थे। आपकी टीम वर्क, एक टीम वर्क जो है बिल्कुल नहीं थे उस टाइम पे। टीम वर्क का मतलब समझते हो क्या है, टीम वर्क का मतलब हम लोग जो एक साथ में हैं, एक साथ में काम करने का तरीका जो है, अपने अपने मर्जी से काम करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे टीम है तो टीम का एक साथ में काम करना है। यहाँ पे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो क्या है, दिन का एक टीम हो गया, रात का एक टीम हो गया, है कि नहीं। जो दिन में जो टीम जो है, एक किसी का गलती होता है तो सब जितना भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो है उनका नाम बदनाम हो जाता है, तो एक के वजह से सबका पनिशमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग एक साथ मिलकर काम करने के लिए क्या है, ये चीज बनाया गया है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, एक दूसरे की तकलीफ को समझना। सबसे पहले कंट्रोल, डिसिप्लिन, भूलना नहीं, कंट्रोल, डिसिप्लिन, टीम वर्क और फ्रेंडशिप, ये चार चीज नहीं थे। एक साथ में कार्रवाई करता है कितना अच्छा लगता है कि नहीं। एक साथ में, एक क्वेश्चन में एक शब्द का शब्द जो है कार्रवाई करता है, तो एक साथ में कार्रवाई करता है, स्टाम्पिंग करते हो तो मजा आता है देखने में। तो उसी में से कोई गलती मारता है तो मजा नहीं आता है, मजा आता है नहीं आता है, कोई एक गलती करेगा तो मजा नहीं आता है। तो इसलिए बोलता है जो भी अभी 23 साल की कार्रवाई करना है, सावधान की पोजिशन कैसा होना है, मैं आप लोग को एक नमूना बता देता हूँ, सब देख लीजिए एक बार गौर से, इधर देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, विश्राम पोजिशन। विश्राम पोजीशन क्या है, विश्राम देखो, आप अपना कट है, आप अपने कट के मुताबिक जो है अपना दोनों टांगे फैलाइए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा अनबैलेंस हो जाएगा। अपने कट के मुताबिक जैसे इतना में खड़े हो जाएगा तो मेरा क्या है, इस्टेब्लिश रहेगा आपका जो पोजीशन, इस्टेब्लिश रहेगा ये पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन क्या है, आपका विश्राम पोजीशन है, ठीक है। बिल्कुल गर्दन जो है सामने की तरफ, सीना बिल्कुल निकला हुआ, ऐसा सीना निकला हुआ, हाथ बिल्कुल खिसा हुआ, ठीक है। पीछे की तरफ देखिए, ऐसा पोजीशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से फाक नहीं होना चाहिए, समझ गया। इसको बोलते हैं हम लोग, ये इस पोजीशन को क्या बोलता है, विश्राम पोजीशन बोलता है, ठीक है।
और दूसरा क्या है, सावधान। सावधान पोजीशन में सबसे बोले देखने वाली बात है, देख यहाँ पे सावधान पोजीशन होता है, देखो पैर का कितना चौड़ा होना चाहिए, हाँ कितना होना चाहिए एंगल, जो कितना होना चाहिए बोले, हाँ 30 डिग्री, इतना 30 डिग्री तक एंगल जो है फैलाना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है, हाथ जो है, ये हाथ जो है, कोई कोई क्या करता है ऐसा करता है, ऐसा रहता है, ऐसा नहीं करना है इसको, ऐसा ऐसा यहाँ से जो है उंगली जो ऐसा पकड़ना है, ज़्यादा बाहर में ऐसा नहीं निकलना है, इतना करना है, ठीक है, इतना करके इसको ऐसा चिपकना है यहाँ पे, जो देखा आपने यहाँ पे देखा, ये लाइनिंग देखा, इस लाइनिंग के यहाँ पे ऐसा चिपकना है, ठीक है, ऐसा चिपकना है, यहाँ से एकदम खाली नहीं छोड़ना है और सामने की तरफ बिल्कुल ऐसा करके देखना है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सावधान, समझ गया ना। और नेक्स्ट क्या है, टेस्ट चल। टेस्ट चाल की पोजीशन में देखो, यहाँ से टेस्ट चल बोलता ही क्या है, बाएं पैर को निकालना है और दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना है, बाएं पैर ऐसा करना है बिल्कुल। यहाँ पे पोजीशन देखिए, पोजीशन क्या है, राइट राइट मेरा जो लेग जो है, राइट साइड का जो पैर जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये बिल्कुल ऐसा टाइट रखिए, ऐसा ऐसा इसको बिल्कुल टाइट रखिए, ये भी बिल्कुल टाइट रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद टो जो है बिल्कुल अपने तरफ खिसा हुआ, ठीक है। और उसके बाद में हाथ जो है, दाहिने हाथ जो है आगे की तरफ और पीछे वाला जो भी बाएं हाथ है वो पीछे की तरफ खिसा हुआ, दोनों एकदम बिल्कुल खिसा हुआ, अपने जो है जो बाजू है जो शोल्डर है उसकी साइज में होना चाहिए, उसकी रेंज में होना चाहिए, ऐसा ऊपर में नहीं उठाना, ठीक है। और पिछले वाला जो है ऐसा खिसा हुआ, यहाँ से ऐसा चलेंगे, ठीक है, ऐसा चलेंगे। कोई क्या करता है यहाँ पे, मैं देखने में ज़्यादातर लग रहा है कि यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, शोल्डर को टेढ़ा कर रहा है, शोल्डर टेढ़ा मत करो, ऐसा करो, ऐसा शोल्डर को नॉर्मल पोजिशन में रहो, फिर ये चलना है, ठीक है, ये पोजिशन में चलना है, ठीक है, शोल्डर बिल्कुल साइड स्ट्रेट रहेगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं चलना है, ठीक है।